الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفاه اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار कितनी जल्दी ये अरमान गुज़र जाता है कितनी जल्दी ये अरमान गुज़र जाता है प्यास लगती नहीं कि इफ्तार गुज़र जाता है हमारे गुनाहों को बख्श दे हमारे मौला हमारे गुनाहों को बख्श दे हमारे मौला इबादत होती नहीं कि रमज़ान गुज़र जाता है इबादत होती नहीं कि रमज़ान गुज़र जाता है ऐसी ही बात है या नहीं कहते थे रमज़ान आएगा 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 और अब खत्म है अल्लाह ताला बाकी बचे दिनों की सही माने में हम तमाम को क़दर की तौफीक नसीब फरमाए और हम भी ज़ैफ़ हमसे सादिर होने वाले हर आमाल ज़ैफ़ टूटे फूटे आमाल हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम व करीम है अल्लाह तबारक व ताला हमारे आमाल के मुताबिक नहीं बल्कि अपने फ़ल के मुताबिक फ़ैसला फरमाएँ और हमारे तमाम अमाल कोबूल व मंजूर फरमाए वक्त रहा तो आज की मजलिस में दो बातें ज़िक्र करनी हैं नंबर एक एहतिकाफ़ के ताल्लुक से चार पांच ज़रूरी बातें ज़िक्र करनी हैं मसनून एहतिकाफ़ शुरू हो चुका है और माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने तौफीक दी वो एहतिकाफ़ में बैठ भी चुके हैं अल्लाह तबारक व ताला उनके बैठने को कबूल फरमाए उनके अहतकाफ़ को बेहद कबूल व मंजूर फरमाएँ और जो हजरात बैठे हैं ये हम तमाम के मोहसिन हैं हाँ ये बात याद रखें जो हजरात बैठे हैं वो हम न बैठने वालों के मोहसिन हैं और हम पर एहसान कर रहे हैं क्यों इसलिए कि मुबारक के, के अख़ीरी अशरे का अहतकाफ़ सुन्नत मदा अलल किफाया है क्या है सुन्नत मुकदा अलल किफाया क्या मतलब अगर बस्ती में से एक आदमी भी नहीं बैठेगा तो तमाम बस्ती वाले गुनेगार होंगे एक आदमी भी नहीं बैठा और अगर एक आदमी बैठ जाएगा तो सवाब तो बैठने वाले को मिलेगा हाँ सवाब सिर्फ़ उसको मिलेगा या एक से जायद आदमी बैठे हैं मसनू एहतिकाफ में तो सवाब उन बैठने वालों को मिलेगा लेकिन मेरे और आपके जैसे लोग गुनाह से बच जाएंगे बात सुनन ऐसी है कि उसका तारिक और छोड़ने वाला गुनहगार होता है जिस सुन्नत पर हुजूर ने मुदावमत की हमेश की इख्तियार की सुन्नत दो तरह की तो एक आपको सुनन ऐसी मिलेगी कि जिस पर आका ने मुदावमत की हमेश की बग़ैर किसी ख़ास उज़्र और मजबूरी के उसको छोड़ा नहीं उन्हीं सुन्नतों में से एक सुन्नत ये अहतकाफ़ की हुज़ूर ने कभी नहीं छोड़ा हाँ जब ख़ास उजर पेश आया मजबूरी और माज़ूरी पेश आई तो छोड़ना पड़ा वरना हुजूर ने यह मसनून एहतिकाफ कभी तर्क नहीं किया है और छोड़ा तो क्या किया दस दिन हुजूर अपनी जिंदगी का जो आखिरी एहतिकाफ था उसमें ज़्यादा बैठे जो आखिरी रमजान आया आप अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हयात तयबा का उससे पहले जो रमज़ान आया था तो हुजूर एहतिकाफ नहीं कर पाए थे अब हुजूर ने गोया के उसकी कजा में आइंदा साल जो रमजान मुबारक आया तो उसमें बीस दिन एहतिकाफ किया तो एक वजह तो ने यही लिखी कि गोया साले गुजश्ता की क़ा थी और एक वजह उलमा ने ये लिखी बीस दिन एहतिकाफ़ में बैठने की कि बिल्कुल वैसा ही मामला जैसा हम सब जानते हैं कि मुबारक में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ क्या क्या, क्या करते थे क़ुरान करीम का दौर क्या करते थे जिब्रील अमीन के साथ कुरान करीम का दौर किया करते थे और एक दौर करते थे हर रमज़ान में एक दौर करते थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी रमज़ान हुजूर ने सहाबा के दरमियान गुजारा तो उसमें आकने जबरील अमीन के साथ बजाए एक के दो दौर किए क़ुरान करीम के दो दौर किए आका ने इशारा मिल चुका था कि अब आइंदा रमज़ान आप नहीं पा सकेंगे तो हुजूर को इशारा मिल गया था तो इसलिए आका ने दो दौर किए ठीक इसी तरह के ये अमल भी हुजूर इसको मिस नहीं करते थे इसलिए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहिब दामद बरक़ा तहमलिया की बुखारी शरीफ की जो तकरीर छपी है बारी के नाम से उसमें हजरत ने एक मौके पर इर्शात फरमाया जिसका मफहम यह है कि आदमी दावत व तबलीग के काम में वक्त लगाता रहता हो लगाता रहता हो तो मुबारक के अंदर अगर एहतिकाफ में मसनून एहतिकाफ में बैठ सकता हो तो दावत के काम में जाने से इसमें बैठना अफजल है हाँ ये मतलब नहीं कि सारे ही बैठ जाए दावत का काम भी अपने तौर पर चलता रहे लेकिन दावत के काम में तो साल भर जा सकेगा और ये एक ऐसी सुन्नत है आका की कि जिसको हुजूर ने बगैर उजर के तर्क नहीं फरमाया बड़ी अहम सुन्नत तो ये सालाना सुन्नत है तो ये दस दिन आदमी ने मिस किया तो फिर वो नहीं बैठ सकेगा तो इसलिए अगर बैठ सकता हो तो वरना मैं ये नहीं कह रहा कि जमात में न जाए और बैठ जाए उसके सामने दोनों ऑप्शन हैं कि वो एहतिकाफ में भी मसनून बैठ सकता है दावत के काम में भी जो है वो जा सकता है तो उसके मतलब हज़रत फरमा रहे हैं कि अगर दोनों अमल उसके लिए मुमकिन हो तो तरजीह किस अमल को दे मसनून एहतकाफ को दे ये इतनी अहम सुन्नत है। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी रमजान गुजारा तो उसमें बीस दिन का एहतिकाफ फरमाया एतकाब में बैठने का मकसद क्या है क्यों बैठता है आदमी एहतिकाफ मल्फूज़ात फ़कीहल में हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोही नवर नौमरु से ये सवाल हुआ कि हज़रत एतिकाफ का मकसद यसुई है या कसरत से इबादत करना है सवाल समझना सवाल क्या हुआ कि हज़रत एहतिकाफ का मकसद यानी मसनून एहतिकाफ दस दिनों का जो करेंगे तो उसका मकसद यकसुई है या कसरत इबादत है अल्लाह अकबर जवाब सुनिए हज़रत ने फरमाया जिसका मफहम यह है कि एतकाफ का मकसद यकसुई के साथ कसरत इबादत दोनों को शामिल कर लिया एहतिकाफ का मकसद यकसुई के साथ कसरत इबादत है यकसुई क्या माना यकसुई का यकसुई का माना खलवत नशीनी गोश तन्हाई तन्हाई में बैठ जाना और ओलमा लिखते हैं कि हुजूर तो एतकाफ पहले से करते थे अभी नबूवत भी नहीं मिली थी बुखारी शरीफ की रिवायत अभी नबूवत भी हुजूर को नहीं मिली थी क्या आपली वसम अम्मी जान हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताल से फ़रमाते थे कि मेरे खाने पीने का नज़म कर दो तोशा जो हैं वो तैयार कर दो आज की ज़ुबान में टिफ़िन जो हैं वो तैयार कर दो तो अम्मी जान हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताली कुछ दिनों तक जो खाना चल सके ऐसी चीज़ जो है वो तैयार कर देती थी और हुजूर ग़ार में चले जाते थे और गोशे तन्हाई इख्तियार करते थे किसी से मिलते जुलते नहीं थे और गार में जिस जगह का इंतखाब आका ने किया था तो यह लिखा है कि जगह का इंतखाब इतना ज़बरदस्त था कि जिस जगह आका गोशे तन्हाई इख्तियार करते थे वहाँ बैठते थे वहां से काबतुल्ला सीधा नज़र पड़ता था जाए वो को कितना जबरदस्त है कि डायरेक्ट हजरत की निगाह गार पे से जब उठती थी बाहर की जानिब तो जो चीज़ नजर आती थी वो अल्लाह का घर नजर आता था दावत तबलीग के हज़रत जी अव्वल हज़रत मौलाना इलियास साहिब काधलवीन और मरकद हज़रत के ताल्लुक से दावत तबलीग में एक बड़े आदमी गुजरे हैं दावत तबलीग के अकाबिर तो थे ही वो लेकिन इल्म भी ज़बरदस्त था ज़बरदस्त आलिम जिससे मेरी मुराद है हज़रत मौलाना उबैदुल्ल बलियावी रहमतुल्लाह अलैह इल्म ज़बरदस्त था दावत व तबलीग के जो अकाबिर दुनिया से जा चुके हैं उनमें चार अकाबिर ऐसे हैं कि दावत का काम तो उन्होंने तन मन धन से और फना फिर तबलीग गोया कि वो थे ही लेकिन इल्मी इस्तेदाद भी उनकी ज़बरदस्त थी उनमें एक हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहिब कांदलवी नवर अल्ला मरकद हज़रत जी सानी ठोसिल इम तहावी की शरीफ तहवी शरीफ की शरह लिखी है पढ़िए हैं आदमी की अक़ल दंग रह जाती है इतना ठोसिल और दूसरे हज़रत मौलाना सईद अहमद ख़ान साहिब रमतल आ बड़ा पुख्ता इल्म था तीसरे हज़रत जी सालिफ़ हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहिब रहमत लाला बुखारी शरीफ़ पढ़ाई हज़रत ने और चौथे हज़रत मौलाना मौलानाबैदुल्ला साहिब बलियावी रहमतुल्लाह आल और हज़रत आखिरी जिनका मैंने जिक्र किया मौनाबैदल साहिब बलियावी उनका तस्करा तो मैंने हज़रत मुफ्ती सैद अहमद साहिब पालनपुरी रहमत लाई से भी सुना कि इलमी इस्तेदाद बड़ी ज़बरदस्त थी पहाड़ थे हाँ हज़रत मौलाना फरमा रहे पहाड़ थे हमारे नज़ीर भाई मालजी को अल्लाह जज़ाय खैर दे उन्होंने मुझे चंद नकाबिल के बयान दिए डाउनलोड करके उनमें हज़रत का भी था मैंने सुने हैं उनके बयान तो एक बयान में हज़रत मौलाना सा साहिब बलियावी रहमतुल्लाह आल ने फरमाया किताब का नाम है वो बयान छप चुके हैं नाम है खानक तकरीर ये तकरीर हज़रत मौलाना की हुई है हज़रत शेख उहदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया साहिब रहा आल की खानका में इसलिए उसका नाम क्या रखा खानका तकरीर है और जमा किसने किया लेस्टर में हज़रत मौलाना ऐूब साहिब बंदे इलाही है दामद बरकातुमला उनके बड़े भाई हुआ करते थे इंडिया में हज़रत मौलाना इलियास साहब रमत ला आने दो जल्दों में जमा किया मेरे पास है एक जल्द उसमें हज़रत ने फरमाया कि हज़रत जी मौलाना इलियास साहिब रहमतल्लि मरकज़ से चालीस चालीस दिनों तक ग़ायब रहते थे शुरू में और हुमायूं का मकबरा है आप लोग दिल्ली गए हो तो देखा होगा कि वहाँ हुमायूं का मकबरा है अब तो वो बड़ा आबाद हो चुका है लेकिन हज़रत जी मौाना इलियास साहिब रहा आल के दौर की बात है कि वो जंगल था यानी इतनी आबादी नहीं थी तो हजरत जी मौलाना इलिया साहिब रमत एक चिल्ला काटा करते थे और हजरत मौलाना साहिब बलियावी ने फरमाया मफहम यह है कि यह हुजूर की उसी सुन्नत पे अमल था कि हुजूर नबूवत से पहले गार में जा चिल्ला फरमाते वक्त जो है वो बिताते थे लोगों के साथ मिलना जुलना होता है तो हमारा दिल तो आईने की तरह साफ शफाफ नहीं है लेकिन जिनका दिल आईने की तरह साफ शफाफ होता है ना उनको पता चलता है कि दिल पे गुबार आ जाता है इसलिए हजरत जी मौलाना यूसुफ साहिब रहमतल्ला हर थोड़े अरसे बाद भोपाल जाते थे भोपाल के अंदर एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं पीर नन्ने मिया रहमत आलही हाँ तो वहां हजरत जाते थे और बाकायदा उनसे फैज़ हासिल करने की नीयत से जाते थे और जब वहाँ से निकलते थे हज़रत जी मौना यूसुफ़ साहब रहा आल तो फरमाते थे कि पीर साहिब के पास जब हम हाज़री देते हैं और बाहर आते हैं तो यूँ लगता है कि हमारे दिल पर कोई गर्द छाया हुआ था उसे झटक दिया अब सोचे उस आदमी के दिल की ये हालत कि जो हज़रत जी सानी है और अल्लाह ने कितना नवाज़ा मेरे और आपके दिल की क्या हालत हुआ? है बड़े लोगों की फिक्र भी बड़ी होती है उनकी सोच भी जो है वो बड़ी होती है ख़ैर तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम खलवत नशीनी गोशा नशीनी पहले से क्या करते थे तो अब जो लोग एहतिकाफ़ में बैठे हैं तो वो अपने मकसद को समझे कि भाई वो इसलिए बैठे हैं कि सब चीज़ों से कट कर छट कर जट कर हट कर अब इबादत करेंगे मस्जिद में यकसुई के साथ बैठ कर डट कर तो इसलिए यह नहीं करना चाहिए कि भाई आदमी बातचीत करता रहे चंद साथी बैठे हुए हैं मसनून एहतिकाफ़ में अब तेरी मेरी जो है वो शुरू हो गए ये नहीं होना चाहिए इसीलिए हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहिब अलैह के यहाँ ये ऐलान होता था ख़ानका में कि देखिए पहले बुज़ुर्ग जो मुजाहदात करवाते थे उसमें तीन कम थे कि जो भी ख़ानका में आया है या अपनी असलाह कराने के लिए आया है या एहतिकाफ़ में बैठा है मसनून तो तीन काम कम करने के कम खुरदन कम खुफ्तन कम के कम खुरदन कम खाना कम खुफ्तन कम सोना कम गुफ्तन कम बोलना लेकिन हजरत शेख फरमाते थे कि भाई वो बुज़ुर्गों का ज़माना था कुआ कमज़ोर थे हम तो ज़यीफ़े कमज़ोर है दो कम को हटा दो खूब खुरदन हैं खूब खाओ हैं दावतें उड़ाओ तो खूब खाओ भाई क्यों अस्तक फिरुल्ला हज़रत शेख फरमा रहे खूब खूबतना तुम कह रहे हो कि अस्तक फिरुल्ला अजीब अल्लाह का बंदा है हैं के खूब खुरदन के खूब खाओ और खूब खुफ्तन खूब सो लेकिन वो जो दो कम कम हुए हैं वो दो कम का यहाँ वेलकम करना है कम 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 गुफ्तन के बिला जरूरत बोलना ही नहीं है समझ आया ये है एतकाफ का मकसद क्यों आपका मीटर चालू है नमाज के इंतजार में बैठने वाला क्या होता है सवाब नमाज का सवाब लिखा जाता है अब एहतिकाफ़ में बैठा फ़जर में है तो जहर का इंतजार जहर में असर का इंतजार असर है मगरिब का इंतज़ार मगरिब इशा का इंतज़ार ईशा पड़ा फजर का इंतज़ार आपका मीटर चालू है आप सोए रहेंगे नेकियां आपकी लिखी जाती रहेगी शर्त यह है एहतिकाफ को बातचीत करके इधर उधर की करके ख़राब ना करें तो इसका ख़ास ध्यान रखें दूसरा मोबाइल का इस्तेमाल बगैर ज़रूरत करें ही नहीं जरूरत हो तभी करे इसको खोलना ही नहीं है आप भी खूब सो और इसको दस दिन के लिए पूरा सुला दो हैं ताकि उसका भी थकान दूर हो इतना इस्तेमाल होता है बेचारा है थक जाता है साल भर तो बगैर जरूरत इस्तेमाल नहीं करना है घर वालों को बोल दो कोई जरूरत है घर से किसी बंदे को भेज दे पैगाम पहुंचा दे आपको कोई पैगाम पहुंचाना है आप पहुंचा दो क्या जरूरत है आप बैठे हो दुनिया से कट कर हट कर छट कर झट कर, जट कर� अब जो है आप इबादत करो डट कर इसलिए आपस में भी गुफ्तगु नहीं करना है बिला जरूरत लेकिन हमारे यहाँ तो ये यह होते थे कि आज फलाना दोस्तान ने बोला जी नहीं हमें आजे तीन बुलाया ने बात करा हुई काले बीजा ने बोला पर तो हुक्वा बैठे भर बहने ज तो बात करा करते हैं तो एक तो आपस में भी भाई बिला ज़रूरत गुफ्तगु नहीं है मेरी बात नहीं कर रहा हूँ हजरत शेख फरमाते दूसरी बात आखीरी फारूक भाई कह रहे थे आज पंद्रह को कम कर देना बंद कर देना तो चलो वक्त तो हो गया है जुमा को तो अभी जो है गाड़ी ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी की स्पीड से सेवनटी मोटर पकड़ती है वक्त हो जाता है तो क्या करें अभी तो बहरहाल आखिरी बात एहतिकाफ में सोने वाले हजरत शेख के यहाँ हिदायत थी मसनून एहतिकाफ में ज़ोर से कुरान नहीं पढ़ना है सोए हुए हैं उसका ख्याल रखना है तो ये नहीं क्या तमें एम विचार ओ एहतिकाफी नहीं तो हुई रहे एम के आपने पढ़ी ने जिन्नत ने नहाँ जिन्नत बन बनश शैतान तो है तो तू जो है अपनी सोच को दुरुस्त कर तो उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए आहिस्ता पढ़ो और तहज्जुद भी आपको पढ़ना है तो हुजूर ने हमेशा एहतिकाफ किया कभी तहज्जुद जमात से नहीं पढ़ी याद रखियो तहज्जुद इनफरादी पढ़ियो और तहज में भी अगर कोई सोया हुआ है तो इस तरह नहीं उसकी नींद में ख़लल हो आखिरी बात कहकर गुफ्तु ख़त्म करो हजरत आयशा फरमाती है मफू में हुजूर घर में आते थे और हुजूर के मकाना हमारी तरह बड़े बड़े नहीं थे छोटा सा मकान था फरमाया इस तरह सलाम करते थे कि जागने वाला जवाब दे दे और सोने वाले की नींद में खलल वाकई ना हो जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमा। फरमाए ये सिर्फ़ मोतिफिन के लिए नहीं है ये रोज़ा बिला ज़रूरत न बोलने का हम भी रखें जो मोतकफिन नहीं है वो भी अल्लाह हमें भी तौफीक